शुरुआत होती है 2024 के फैंस फ्रांसिस्को की कॉर्सला और न्यूटो की लड़ाई के दौरान, जहां मार्क और एम्मा और उसकी बेटी मेडिसिन को देखते हैं जो एंड्रू को ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से उनका सामना कॉर्सला से होता है और कॉर्सला समुद्र की ओर जा रहा होता है। एम्मा और उसकी बेटी मेडिसिन को दिखाया जाता है जो चाइना में होते हैं और वो मॉन्थ्रा के जन्म लेने का इंतजार कर रहा होता है और मॉन्थ्रा जन्म भी लेती है इस दुनिया में। मॉन्थ्रा सब पर हमला करना शुरू कर देती है, पर एम्मा अपने ऑर्गन डिवाइस की मदद से ऐसी फ्रिक्वेंस आवाज़ निकालती है जिससे मॉन्थ्रा शांत हो जाती है और वहाँ तभी एलन जोनार के चलाए गए इकोटेस ग्रुप आ जाता है। एम्मा और मेडिसिन और ऑर्गन डिवाइस को ऑपरेशन ले जाते हैं वो लोग। डॉक्टर सेजा, डॉक्टर ग्रैंड और सैम को दिखाया जाता है। सरजा बता रहे थे ये टाइटन हमारे लिए ख़तरा नहीं है और स्पेशली तो गॉडज़िला तो बिल्कुल हमारे लिए ख़तरा नहीं है। अचानक से उन्हें पता चलता है कि एम्मा और मेडिसिन का किडनैप हुआ है, तो वो लोग वहाँ से निकल कर सीधा मार्क के पास जाते हैं। सरजा मार्क को बताते हैं कि वो एम्मा और मेडिसिन को बचाने जा रहे हैं, तो मार्क भी उनके संग शामिल हो जाता है। और सरजा ये भी बताते हैं कि गिनती के अभी 17 टाइटन धरती पर ढूंढ ले गए हैं और इनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये लोग आउटकोस्ट ब्रावो 54 में जाते हैं, जहाँ मार्क इन्हें बताता है कि गॉडज़िला और बाकी सभी टाइटन्स को मार दिया जाए। अचानक से गॉडज़िला वहाँ आ जाता है और गॉडज़िला सील्ड उन पर हमला नहीं करता, वहाँ से चले जाता है। जहाँ सेंटन बताते हैं कि गॉडज़िला एंटार्क्टिका की ओर जा रहा है, एलन मेडिसन और एम्मा को लेकर भी एंटार्क्टिका ही गया होता है। और वहाँ हम देखते हैं एक ऐसा टाइटन जो बर्फ में जमा हुआ है, मेडिसन उसे मॉन्स्टर ज़ीरो पुकारती है। एम्मा ऑर्गन डिवाइस को ऑन कर दीजिए ताकि वो मॉन्स्टर ज़ीरो को जगा पाए। इतने मार्क और बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं मेडिसन और एम्मा को बचाने के लिए, पर एम्मा टिगर को दबा देती है जिससे बॉम्ब फट जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर ज़ीरो भी आज़ाद हो जाता है। अब वहाँ पर मॉन्स्टर ज़ीरो बर्फ के बाहर आकर सब पर हमला करना शुरू कर देता है और गॉडज़िला भी यहाँ आ जाता है और गॉडज़िला और मॉन्स्टर ज़ीरो के बीच अब भयानक जंग शुरू हो जाती है। इसमें गॉडज़िला मॉन्स्टर ज़ीरो पर अपनी एटॉमिक ब्रेस से हमला करता है, पर मॉन्स्टर ज़ीरो साइड हो जाता है और वो अपनी इलेक्ट्रो बीम से गॉडज़िला को खाई में धकेल देता है। इतने में वो वापस इंसानों पर हमला करना शुरू करता है, पर यहाँ आर्गो के सभी लोग आ जाते हैं और गॉडज़िला भी खाई से बाहर निकल आता है, पर और मॉन्स्टर ज़ीरो वहाँ से भाग जाता है और गॉडज़िला ये देखकर बस रोल करता रह जाता है। डॉक्टर चिन बताते हैं कि एम्मा सभी टाइटन को आज़ाद कर रही है और इन्हें ये भी पता चलता है कि जहाँ से एम्मा गई है गॉडज़िला भी उसी रास्ते से जा रहा होता है। और इन्हें अचानक से कॉल आता है एम्मा का, जहाँ एम्मा बताती है कि इंसानों ने अपनी आबादी बढ़ाकर और धरती को पॉल्यूशन से ख़त्म कर दिया है और ये सब रुक जाएगा अगर इन टाइटन को आज़ाद कर दिया जाए। कोई भी एम्मा की बात नहीं मानता, पर एम्मा टाइटन्स को आज़ाद करने की जिद पर अड़ी होती है। जब मार्क बताता है कि ऐसा करने से उनका बेटा एंड्रू कभी वापस नहीं आएगा, पर एम्मा कहती है कि वो इन सभी टाइटन्स को आज़ाद कर देगी और तुम लोग बंकर ढूंढ कर अपनी जान बचाओ। अब एम्मा मैक्सिको में अगले टाइटन को आज़ाद करना शुरू कर रही होती है। मेडिसन एम्मा को रोकती है, पर एम्मा एनल जोलार की बात मानती है और ऑर्गन डिवाइस को ऑन कर देती है। आर्मी में यहाँ सबको बचाने की कोशिश करी हो रही होती है, पर लाउड स्पीकर के कारण ऑर्गन डिवाइस से ऐसी फ्रिक्वेंसी निकलती है जिससे मॉन्स्टर रूडेन आज़ाद हो जाता है और फाइटर जेट्स रूडेन पर हमला कर ही रहे होते हैं, पर उनसे भी रूडेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और रूडेन उल्टा उन सबके पीछे लग जाता है। रूडेन एक के बाद एक करके सारे फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। CC-1 के पीछे लग जाते हैं जिसमें मोनार्क के सभी बड़े ऑफिसर्स होते हैं और मार्क भी इसी में ही होता है। अचानक से मॉन्स्टर ज़ीरो बीच में आ जाता है और वो रूडेन से लड़ना शुरू कर देता है और रूडेन और मॉन्स्टर ज़ीरो के बीच बहुत ख़तरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, पर मॉन्स्टर ज़ीरो रूडेन को डाउन करने में कामयाब हो जाता है। मॉन्स्टर ज़ीरो CC-1 को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा होता है और गॉडज़िला मॉन्स्टर ज़ीरो को अपने संग समुद्र में ले जाता है और एडमिरल का कॉल आता है। यहाँ पर एडमिरल बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर बनाया जो गॉडज़िला और मॉन्स्टर ज़ीरो दोनों को मार डालेगा, पर सरजा बताते हैं कि उन्हें गॉडज़िला पर भरोसा रखना चाहिए। चाहे एडमिरल कहते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी, निशाइल निकल चुकी हो और ये लोग चेक करते हैं तो निशाइल हकीकत में निकल चुकी होती है। गॉडज़िला और मॉन्स्टर ज़ीरो समुद्र में आपस में लड़ रहे होते हैं और गॉडज़िला मॉन्स्टर ज़ीरो का एक सर उखाड़ के अलग कर देता है और इतने में ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर गॉडज़िला और मॉन्स्टर ज़ीरो दोनों को लगता है, जिसमें ये दोनों ही मारे जाते हैं। पर अचानक से मॉन्स्टर ज़ीरो उड़ते हुए पानी के बाहर आता है और वहाँ से चले जाता है और ये लोग देखते हैं गॉडज़िला की हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है और
गॉडज़िला मर जाता है। फिर जब हम आपको बताते हैं कि तुम्हारे दिल की तसल्ली पूरी हो गई और मॉन्स्टर जीरो वल्केनो पर बैठ जाता है और अपना कटा हुआ सर को वापस ग्रो कर लेता है और अल्फा लीडर कॉल लगाता है जिससे सारे टाइटन्स जाग जाते हैं और मॉन्स्टर जीरो की बात मानना शुरू कर देते हैं। एलन एमा से कहता है कि मुझे लग रहा था तुम एक एक करके जलाओ जगाओगी इन सबको, पर तुमने तो एक साथ ही जगा दिया। जब एडिसन एमा से कहती है कि तुम भी मॉन्स्टर हो एक। मार्क और बाकी सब लोग बातें कर रहे थे कि मॉन्स्टर जीरो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय से मरा क्यों नहीं, पर जिन बताते हैं कि यह हमारी कुदरत के नियमों का हिस्सा नहीं है, यह आसमान से है यानी कि एलियन है और इसका रियल नेम किंग किथोरा है। ये भी पता चलता है कि गॉडज़िला से पहले भी लड़ चुका है। एमा और मेडिसन के बीच थोड़ी सी झड़प हो जाती है टाइटन्स को आज़ाद करने की बात पर। जब एमा एलन को बताती है कि वो मॉन्स्टर जीरो को कैप्चर कर सकता है और का डिवाइस की मदद से, कार्सिल ब्रावो में इन्हें पता चलता है कि सारे टाइटन्स दुनिया भर में तबाही मचा रहे हैं और ये सब मार्क बताता है कि ये सारे टाइटन्स एक ग्रुप में आगे बढ़ रहे हैं और इनका लीडर है किधोरा। और ये जहाँ ये लोग ये भी पूछते हैं कि कोई और टाइटन भी है जो इसका सामना कर सकता है, जब सरजा बताते हैं कि गॉडज़िला किधोरा को रोकने वाला सिर्फ गॉडज़िला ही है इस दुनिया में और कोई नहीं। मंत्रा पूरी तरह से अपने आप को डेवलप कर लेती है और क्रासिल ब्रावो में पहुँचती है और माँ एक गाना गाती है जिस गाने का जवाब गॉडज़िला देना शुरू कर देता है और इन्हें यह भी पता चलता है कि मंत्रा क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर है। मार्क बताते हैं कि हम गॉडज़िला की मदद करेंगे अब, और इनका ग्रुप अब दो भागों में डिवाइड होता है। पहला ग्रुप किधोरा का ध्यान भटकाएगा और दूसरा ग्रुप गॉडज़िला को समुद्र से बाहर निकालेगा। और ये लोग सबमरीन की मदद से समुद्र के नीचे जाने लग जाते हैं और ड्रोन्स भी छोड़ देते हैं जिससे ड्रोन्स की मदद से इन्हें पता चल जाता है गॉडज़िला कहाँ पर है। और सरजा बताते हैं कि वो गॉडज़िला के पास न्यूक्लियस बॉम्ब लेकर जाएंगे। मैडिसन ऑर्कड डिवाइस को चुरा लेती है और पास ही के स्टेडियम में जाकर ऑर्कड डिवाइस को ऑन कर देती है जिसके कारण सारे टाइटन्स अब रुक जाते हैं। सरजा उन सबसे अलविदा लेते हैं और गॉडज़िला के पास पहुँच के न्यूक्लियस बॉम्ब ऑन कर देते हैं और गॉडज़िला से कहते हैं कि अलविदा मेरे दोस्त। गॉडज़िला सरजा को देख रहा होता है और न्यूक्लियस बॉम्ब यहाँ पर फट जाता है जिसके कारण सबमरीन पानी की सतह पर आ जाती है और गॉडज़िला ही बाहर निकलते हैं। गॉडज़िला के टॉर्सन प्लेट ब्लू कलर के हो गए थे और गॉडज़िला आसमान में एटॉमिक ब्रेड फायर करता है और ह्यूमंस को देखता है और मार्स से चले जाता है। मार्क सीजी वन को वापस बुलवा लेता है और मार जाकर इन्हें पता चलता है कि मेडिसन ने ऑर्कड वाइस को ऑन कर दिया है। ये भी पता चलता है कि मेडिसन ने इंसान की आवाज़ को गॉडज़िला की आवाज़ से मिक्स कर दिया जिससे सबको लग रहा है कि एक और शक्तिशाली मॉन्स्टर सबको पुकार रहा है। मार्क बताता है कि वो गॉडज़िला के अगेंस्ट नहीं गॉडज़िला के संग लड़ेंगे और एम्मा एलन से कहती है कि वो अपना बेटा खो चुकी है, बेटी नहीं होना चाहती। एलन कहता है कि उसे जाने दो, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। एम्मा गाड़ी की मदद से मार्स से निकल जाती है। किधोरा भी स्टेडियम आ जाता है और ऑर्कड डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है और मेडिसन को मानने वाला ही होता है। इतने में एटॉमिक ब्लेड पीछे से आकर किधोरा को लगती है जिससे किधोरा जमीन पर गिर जाता है और मेडिसन पीछे देखते तो पीछे गॉडज़िला आ रहा होता है और गॉडज़िला और किधोरा एक दूसरे के आमने सामने आ गए होते हैं और ये दोनों लड़ना शुरू कर देता है और मंत्रा भी इस लड़ाई में शामिल होती है। मंत्रा किधोरा के ऊपर वैस फेंकती है जिसके कारण किधोरा बिल्डिंग में चिपक जाता है और गॉडज़िला को किधोरा पर हमला करने का समय मिल जाता है। मंत्रा फिर से हमला करने वाली होती है, इतने में रूडेन बीच में आ जाता है और मंत्रा से लड़ना शुरू कर देता है और मंत्रा रूडेन में भी अब लड़ाई शुरू हो जाती है। एम्मा भी यहाँ आ जाती है। एम्मा इन्हें गाड़ी में बिठाती है और इनके संग मेडिसन को ढूंढने निकल पड़ती है और मंत्रा और रूडेन आपस में लड़ रहे होते हैं और गॉडज़िला किधोरा भी आपस में लड़ रहे होते हैं। जहाँ किधोरा का माइक पावर प्लांट मिलता है जिससे वो रेडिएशन सोखना शुरू कर देता है और अचानक से हवा में अपनी इलेक्ट्रो भी मारना शुरू कर देते हैं जिससे सारे फाइटर जेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। गॉडज़िला ही पीछे हट जाते हैं। इसमें रूडेन और मंत्रा आपस में लड़े रहे होते हैं और मंत्रा रूडेन को घायल कर देती है। किधोरा गॉडज़िला को उड़ाकर आसमान में ले जाता है और गॉडज़िला को मार्स से छोड़ देता है जिससे गॉडज़िला एक आग के गोल की तरह धरती पर गिर रहा होता है और वो धरती पर गिर भी जाता है और किधोरा वापस आता है और मंत्रा गॉडज़िला को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है पर मंत्रा किधोरा के ऊपर हमला करने की तैयार हो जाती है और किधोरा मंत्रा को अपनी इलेक्ट्रो बीम से मार देता है। मंत्रा में से निकलना सारे रेडिएशन गॉडज़िला में चले जाता है और किधोरा गॉडज़िला को अपने सर से लपेट लेता है और बाकी लोग ऑर्का को ठीक करने की तैयारी कर रहे होते हैं और ये लोग ऑर्का को ठीक कर देते हैं जिसके कारण किधोरा का ध्यान इनसे भटक जाता है। और एमा मार्क और मेडिसन हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है पर एमा वहीं रुक जाती है और वो गाड़ी को ड्राइव करना तेज़ी से शुरू कर देती है और किधोरा भी एमा के पीछे पीछे आ रहा होता है और मार्क और मेडिसन और बाकी लोग ये लोग हेलीकॉप्टर से सब कुछ देख रहे होते हैं। किधोरा
गाड़ी पर इलेक्ट्रो बीम से हमला करता है जिससे एम्मा बाहर निकल कर गिर जाती है और कहती है कि तुमने इस दुनिया के राजा की ताकत देखी क्या है। किधर का चांस से कुछ महसूस होता है और वो पीछे देखता है तो उसके पीछे कॉर्टला खड़ा होता है जो अब अपने बर्निंग पावर में होता है। कॉर्टला के एक एटॉमिक प्रेत में किंग किधर के पर जल जाते हैं और दूसरे एटॉमिक प्रेत में किंग किधर के दोनों सर जल जाते हैं और कॉर्टला किंग किधर के सीने पर पैर रखता है और उसका सीना कुचल देता है जिसके कारण किंग किधर मार जाता है। सुबह होते में किंग किधर का मिडिल सर दिखाया जाता है जो कॉर्टला ने पकड़ रखा होता है और कॉर्टला अपनी एटॉमिक प्रेत से उसको भी राग में बदल देता है। सेंटन बताते हैं कि अच्छा कॉर्टला माई साइट है इसलिए अभी तक हम इंसान जिंदा है और चीन बताते हैं कि फिलहाल के लिए वहाँ पर साइट टाइटन्स अपने अपीयरेंस देते हैं हेमंत साइला मोटो मैथुजिला और रूडेन ये सब कॉर्टला के सामने अपना सर झुकाते हैं और कॉर्टला रोल करता है और इसी के संग ये मूवी ही समाप्त होती है। इसके साथ हमें कुछ आर्टिकल्स भी दिखाए जाते हैं और इसमें से एक केप पेंटिंग दिखाई जाती है जिसके पेंटिंग में कॉर्टला और कॉन्ग आपस में लड़ रहे होते हैं और साथ में हमें एलन जोनर दिखाया जाता है जो किंग की तरह कटा हुआ सर खरीद रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये थी कॉर्टला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के बाद जो अगली मूवी अपलोड करने वाला उसका नाम है कॉर्टला वर्सेस कॉन्ग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।